आज मैं आपको अपनी फ्रिज का रिव्यू करवाता हूँ। ये हमने हाई पावर सोलर वाला से ली थी और तकरीबन 4-5 साल हो गया हमें यूज़ करते हुए। इसका जो ऊपर वाला डोर है उसमें आज आपको मैं दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। इसकी प्लेट्स जो है इनके ऊपर तकरीबन 2 से 3 इंच तक बर्फ़ आ गई है। नीचे वाली प्लेट पे आप देखें वो एंड वाला जो हमारा बाउल है बर्फ़ से पूरा ढक ढक चुका है उसको, तो बर्फ़ और ये बाकी के बाउल्स की कंडीशंस है। और ये आप देखें बर्फ जो है इतनी हार्ड है कि हाथ से भी नहीं उतारी जा सकती। और ये नीचे वाली प्लेट है देखें कितनी ज्यादा बर्फ है। इतनी बर्फ आप किसी भी प्लेट्स पे फ्रिज पे नहीं देखेंगे। ये वेजिटेबल जो है बॉक्स उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा कूल हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि बर्फ अंदर बहुत ज्यादा जमती है और कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो ये देखें ये जो बर्फ है ये हाथ से उतारे तो कितनी ज्यादा उतर रही है। और बाकी आप देखें इसके ऊपर भी 2 इंच की मोटी तय जम चुकी है। ये देखें बर्फ जो है वो साइडों वाली प्लेटों पे भी बर्फ जम गई है। और इसको हम चला रहे हैं सप्लाई के ऊपर, ठीक है। ये 12 वोल्ट की फ्रिज है, ये सप्लाई के ऊपर चल रही है। ये सप्लाई के हमने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये कंप्रेसर जो है वो 12 वोल्ट का है और ये सप्लाई हमने रखी हुई है साथ ही। तो सप्लाई के साथ ये हमने अटैच की हुई है बिजली की वायर और ये इस टाइम ऑन है और ये चल रही है। तकरीबन बहुत कम बिजली का बिल आता है। अगर आप भी अपनी फ्रिज या फ्रीजर नहीं खरीदना चाहते हैं तो हाई पावर सोलर वालों से रब्ता करें, आपको नई फ्रिज भी मिल जाएगी, फ्रीजर भी इनके पास होते हैं। और अगर आप अपनी कन्वर्ट करवाना चाहते हैं फ्रिज या फ्रीजर तो आप कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। बहुत अच्छी यूज इस्तेमाल बहुत अच्छी ये चल रही है हमारे पास तकरीबन 5 से 6 साल से।